तमाम मुसलमान दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व आज की वीडियो में कादियानियत के एक ऐसे झूठ और दजल से पर्दा उठाया जाएगा जिसको लेके कादियानी भोले भाले लोगों को बहुत गुमराह करते हैं और अपनी खुद साख्ता कहानियों पर यकीन करने के लिए उनको मजबूर करते हैं ये हमारा नया चैनल है पुराना चैनल चूंकि ब्लॉक हो चुका है तो हम इंशाल्लाह जितनी भी कादयानी पर तहकीकती वीडियोज थी उस चैनल पर वो सारी दोबारा बनाएंगे और इस चैनल पे लगाएंगे तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब कर लें बल्कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये हमारा पैगाम पहुंच सके नाजरीन कराम कादयानी जो है मिर्जा गुलाम काद्यनी को सच्चा साबित करने के लिए अजीब किस्म के पंक्चर लगाते हैं क्योंकि इनके पास मिर्ज़े की सच्चाई की कुरान कुरानदी से कोई दलील है ही नहीं तो ये उच्च हथकंडे इस्तेमाल करते हुए झूठ बोलते हुए कभी कुरान पे झूठ कभी हदीस पे कभी साहब का कुतुब पे और कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा बानमती ने जोड़ा ये ये वाला हिसाब करते हैं ऐसा ही एक मशहूर और मरूफ फ्रॉड मिर्जयों का बाइबल के हवाले से है कि बाइबल में लिखी हुई एक झूठी कहानी पर ये झूठ बोलकर मिर्जे गुलाम कादनी को सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं जैसा कि नाजरीन आपको है कि से मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौर बयान फरमाया है कि ईसा मरियम तशरीफ लाएंगे जब हम इनसे पूछते हैं कि में तो ईसा इब मरियम के आने की खबर है तो ये मिर्जा गुलाम अहमद का कादर की तो कोई खबर नहीं है तो यहां इनकी ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है उन ड्रामेबाजियों में से एक ड्रामेबाजी ये करते हैं और ये कहानी जो बाइबल की है वो पेश करते हैं कहते हैं कि ईसा से पहले कई नबियों ने यह पेश पेशगोई की थी कि मसीह इस वक्त तक नहीं आएगा जब तक एलिया नबी यानी कि हजरत इलियास सलाम दोबारा ना आ जाए तो जब हजरत ईसा सलातम ने नबूवत का ऐलान किया तो यहूदियों के जो आलम थे उन्होंने आपसे सवाल किया कि आपसे पहले तो एलिया नबी को आना था जो कि अभी तक आए नहीं है लिहाजा आप वो मसीह नहीं हो सकते क्योंकि अगर आप सच्चे होते तो आपसे पहले एलिया को आना चाहिए था यानी हजरत इलियास सलातम को जिनका हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं तो हजरत ईसा सलातम ने उनके जवाब में फरमाया कि एलिया तो आ चुका है और जोहन्ना की तरफ इशारा फरमाया कि यही वो एहलिया है जिसे मुझसे पहला पहले आना था जोहन्ना यानी हजरत याज अल तो कादियानी कहते हैं कि देखें जी पहली कुतुब में ये लिखा हुआ था कि एलिया यानी हजरत इलियास इलियाम पहले आएंगे फिर मसीह आएंगे लेकिन हुआ क्या कि इलियास से मुराद याज् निकले यानी एलिया से मुराद जोहन्ना निकले क्योंकि हजरत सलातम फरमा तो रहे हैं कि ये एलिया से मुराद तो जहन्ना है तो कहते हैं इसी तरह जो अहादीस में है कि इस साहब ने मरियम ने आना इससे मुराद मिर्जा का देनी है हालांकि अक्ल रखने वाले लोगों के लिए यहां बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि बिल फर्ज मुहाल अगर ये बाइबल की कहानी सच्ची होती तो बाइबल में जो बताने वाले हैं कि एलिया से मुराद जोहन्ना है वो तो अल्लाह के नबी हैं हजरत सलाम मिर्जा गुलाम कादयानी अल्लाह का नबी अल्ला था इसका क्या सबूत है पहले तो आपको पहले वाला स्टेप क्लियर करना है ना कि पहले आप ये साबित करेंगे कि मिर्जा गुलाम कादयानी जो है वो अल्लाह का नबी था यह साबित करेंगे तो उसकी बात पे आप अमल करेंगे ना कि हां देखिए अल्लाह के नबी ने कहा है तो उसका मतलब वही हो सकता है और मिर्जे का तो एक आप शरीफ इंसान नहीं साबित कर सकते नबी तो साबित करना दूर की बात है तो ये नुकता भी अक्सर लोग भूल जाते हैं कि अगर ये कहानी सुनाएं भी तो इन पर सवाल पैदा होता है कि वहां बाइबल में ये बात बयान करने वाला अल्लाह का सच्चा पैगंबर हजरत वसलाम है और मिर्जा अल्लाह का नबी था इसका क्या सबूत है पहले उसको नबी साबित करो ना उसके बाद उसकी बात पे अमल करने के नंबर आएगा ना आगे बढ़ते हैं आपको मैं बताता चलूं कि एक तो ये बाइबल की कहानी झूठी है वो कैसे वो मैं भी आपको उसका सबूत देता हूं और दूसरा ये कि कादयानी बात भी अधूरी पेश करते हैं क्योंकि अगर पूरी बात पेश कर दें बाइबल में मजकूर इस वाक्य के हवाले से अगर पूरी वो बात पेश कर देते तो इनका तो सारा दजल फ्रेब जो है वो पाश पाश होकर रह जाता पूरी बात हम आपको बताते हैं बाइबल में ये बात कहाँ पे लिखी हुई है चलते हैं जी ये मती की इंजील बा ग्यारह और बाब सत्रह में वहां पर ये बात लिखी हुई है वो मैं पहले आपको बताता हूँ दिखाता हूँ बाइबल से ये मेरे सामने बाइबल खुली हुई है और इसमें जनाब हम चलते हैं मती की अंजील में सबसे पहले इसमें मती की अंजील है इसमें बाब ग्यारह में चलते हैं ये है जी बाब ग्यारह और इसकी बाब ग्यारह की आयत नंबर है जी तेरह इसमें चलते हैं हम ये देखें जी आयत नंबर तेरह कह इसमें लिखा हुआ है कि तमाम नबियों और शरीयत मूसा ने जोहन्ना के आने तक आसमानी बादशाह के बारे में पहले ही बता दिया था शरीयत और नबियों ने जो बात कही है इस पर अगर तुम ईमान रखते तो तुम ईमान रखते हो कि युहन्ना एलिया है यानी हजरत याजा सलातम ही एलिया यानी हजरत सलातम है इसके आने के बारे में शरीयत और नबियों ने भी कहा है ए लोगो मैं जो बात बताता हूँ इसको सुनो और तवज्जो दो ले जी यहाँ हजरत सलातम फरमा रहे हैं कि सबका कुतुब में और हजरत मूसीतम की शरीत में जो बात लिखी हुई है युहन्ना यानी हजरत याज सलाम के बारे में वो याजा आल या सलासम एलिया है यानी इलिया सलातम जिनके आने की खबर है वो याजा आल या है यानी जोहन्ना एहिया है अब आगे चलते हैं जी ये इसके बाब सत्रह में ये देखें जी बाब सत्रह है और इसकी आयत नंबर है जी दस इसमें लिखा है कि शागिदों ने यसू से पूछा कि मसीह के आने से पहले एलिया को आना चाहिए ऐसी बात मलमीन शरीय क्यों कहते हैं आगे उस पर यसू ने जवाब दिया कि एलिया के आने की बात जो कहते हैं सही है हकीकत यह है कि वो आएगा और तमाम मसाइल को हल करेगा लेकिन मैं तुमसे कहता हूं एलिया तो आ चुका है लेकिन लोग उससे जान ना सके कि वो कौन है और लोगों ने जैसा चाहा उसके साथ किया उसी तरह इबन आदम भी इनके हाथों तकलीफ उठाएगा तब शगिर्द समझ गया कि उसने इनसे जोहना बपतिसमा देने वाले की बाबत कहा है यानी जब शिगिर्दों ने पूछा कि आपसे पहले तो एलिया को इलियास इलियासम को आना चाहिए तो हजरत ऊसलाम ने उनसे कहा जी कि इलियास तो या जल्सम है ये है जी बाइबल की वो कहानी जो कि बिल्कुल झूठी कहानी है वो कैसे वो अभी हम आपको साबित करेंगे बाइबल से ही साबित करेंगे फिर बढ़ेंगे मर्जयों के दजल की तरफ नादरीन क्राम यहाँ पे दो हवाले बाइबल से मैंने आपको दिए हैं जहाँ पे हजरत सलातम ये कह रहे हैं कि वो जोहना जो है वो एलिया है अब हम चलते हैं जी योहन्ना की इंजील में और उसका पहला ही बाब है उसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है ये है जी योहन्ना की इंजील इसमें जनाब चलते हैं आयत नंबर उन्नीस में ये है जी आयत नंबर इसकी उन्नीस इसमें लिखा हुआ है कि यह के की यहूदियों ने चांद कहानों और लावी को जोहन्ना के पास भेजा ये पूछने के लिए कि वो कौन है यानी यहूदियों ने याज अल के पास कुछ लोगों को भेजा अगले आयत में है योहन्ना ने खुले तौर पर कहा और इकरार किया मैं मसीह नहीं हूं यहूदियों ने योहन्ना से पूछा फिर तू कौन है क्या तुम एलिया हो योहन्ना ने जवाब दिया मैं एलिया नहीं हूं फिर यहूदियों ने पूछा क्या तुम नबी हो आगे है जी योहन्ना ने कहा नहीं मैं नबी नहीं हूं लो जी सबसे पहला तो यहीं से साबित हो गया कि यह सारी कहानी झूठी तहरीफ शुदा है कि अल्लाह का नबी उनसे कह रहा है कि मैं नबी नहीं हूं तो यही इसके झूठे होने के लिए काफी है लेकिन अब देखें कि दो अल्लाह के पगम्बर हैं। एक तरफ हजरत ईसा सलात दूसरी तरफ हजरत याज अल सलासम है हजरत ईसा सलात वसलाम कह रहे हैं कि एलिया सलाम है, और याज अलैसम कह रहे हैं कि मैं एलिया नहीं हूं यानी अगर बाइबल की इस कहानी पर एतबार किया जाए तो दोनों अल्लाह के सच्चे बरगुजीदा पगम्बरों में से किसी एक का झूठा होना लाजम आता है अगर हज़रत ईसा सलाम की बात पर यकीन किया जाए तो हज़रत याज अल सलाम झूठे साबित होते हैं नाउज़बिल्ला और अगर हज़रत याज अल सलाम की बात पर बार किया जाए तो हज़रतलाम झूठे साबित होते हैं नाउज़बिल्ला नकल कुफर कुफर नबाशद इससे साबित होता है कि यह सारी की सारी कहानी ही झूठी है ना तो कोई एलिया के आने की किसी ने खबर दी है और ना ही हजरत ईसा ने याज को एलिया कहा और ना ही हजरत याज्लाम ने यह कहा कि मैं इलिया ने यह सारी कहानी झूठी है ये बाइबल की घड़ी हुई कहानी है ये बाद में घर के यहदियों सही ने इसमें शामिल की है क्योंकि खुद बाइबल ही इस कहानी को जुटला रही है और नाजरीन कराम आपको बताता चलूं कि यही बात मिर्जा गुलाम कादनी ने अपनी किताब रूहानी खजाइन जल्द इक्कीस सफा बयालीस और तैंतालीस पे हजरतीसलातम का मजाक उड़ाते हुए लिखी है वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ मिर्जा गुलाम कादनी लिखता है यहाँ पे दरअसल वो हजरती सलातम की पेशगोइयों पर ऐतराज़ कर रहा है क्योंकि इस कजाब की सारी पेशगोयां झूठी साबित हुई तो ये इसने अंबिया कराम पर बोहतान बांधना शुरू कर दिया कि उनकी भी झूठी निकलती थी तो उसी तनाजर में यह तहरीर कहता है और फिर पहले नबियों ने मसीह की नस्बत पेशगोई की थी कि वो नहीं आएगा जब तक इलियास यानी कि एलिया दोबारा दुनिया में ना आ जाए मगर इलियास ना आया और यसू अबन मरियम ने यूं ही मसीह होने का दावा कर दिया हालांकि इलियास दोबारा दुनिया में ना आया और जब पूछा गया तो इलियास मऊद की जगह जोहन्ना यानी या नबी को इलास ठहरा दिया ताकि किसी तरह मसीह मऊद बना जाए बनाए लानरत सलाम का मजाक उड़ा रहा है हालांकि पहले नबियों ने आने वाले इलियास की नस्बत हरगज तवील नहीं की और खुद योहन्ना ने इलियास से मुराद वही इलियास रखा जो दुनिया से गुजर गया था मगर मसीह ने अपनी बात बनाने के लिए पहले नबियों और तमाम रास्ते के इजमा के बरखिलाफ इलियास आने वाले से मुराद योहन्ना अपने मुर्शद को करार दे दिया और अजीब ये कि योहन्ना अपने लिहाज होने से खुद मुनकर है मगर तहम यसू इबन मरियम ने जबरदस्ती इसको लिहाज ठहरा दिया यानी मिर्जा गुलाम का दनी ना सिर्फ बाइबल की इस कहानी पर यकीन कर रहा है ना सिर्फ हजरत सलाम का मजाक बना रहा है बल्कि उनको झूठा भी करार दे रहा है कि बाकी हिसाब का किताब भी और याज अल सलाम तो इनकार है तो इन्होंने खुद अपना दावा बनाने के लिए और अपने आप को मसीह मौत बनाने के लिए यह झूठ बोल दिया कि नहीं वो एलिया तो याज सलाम है लानात बहार मिर्जा गुलाम कादयानी की सिबारत से भी साबित होता है कि अगर बाइबल की इस कहानी को माना जाए तो दोनों में से एक पैगम्बर का झुठा होना लाजम आता है अब आखिर में मिर्जा गुलाम कादयानी के इन का क़ुतुब के हवाले से दो हवाले पेश कर देता हूँ हालांकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ताज तौर पे बयान किया हुआ है कि ये साहब का कुतुब जो है ये मुहर्रफ और मुबदल हो चुकी हैं लेकिन मर्जयों का कुरान से लेना देना ही कोई नहीं है इनका कुरान से लेना देना हो तो ये बाइबल की कहानियाँ क्यों पेश करके मिर्ज़े को सच्चा साबित करने की कोशिश करते दावा इनके कज़ाब का ये है कि मिर्ज़ा गुलाम का दिन कसर सलीब के लिए आया है तो बजाय ये बाइबल की गलतियां निकालने के बाइबल की जो खुराफा हैं और उसमें जो झूठी कहानियां लिखी हुई हैं उनका रद्द करते ये उन झूठी कहानियों को लेके अपने मिर्जे को सच्चा साबित करने पे तुले हैं ये और ये कसरे शरम मगर नहीं आती मिर्जा गुलाम खजान जल्द पंद्रह सफा एक सौ बयालीस पे लिखता है गर्ज ये चारों इंजीलें जो यूनानी से तर्जमा होकर इस मुल्क में फैलाई जाती हैं एक जरा भी काबिल एतबार नहीं दूसरा वाला खजान जल्द तेईस सफ़ा दो सौ छियासठ है कहता है बल्कि सच तो ये बात है कि वो किताबें यानी ये साहब का कुतुब जो है के जमाने तक रद्दी की तरह हो चुकी थी और बहुत से झूठ इनमें मिलाए गए थे जैसा कि कुरान शरीफ में फरमाया गया है कि वो किताबें मुहर्रफ मुबदल हैं और अपनी असलियत पर कायम नहीं रही लोजी मिर्जा गुलाम का दिन खुद भी इस बात का एक है अब मर्जियों को शर्म आनी चाहिए कि आज के बाद जो भी मर्जी ये वीडियो देखे उसके बाद जिंदगी अगर उसमें शर्म और गैरत की रत्ती है तो वो ये कहानी कहीं नहीं पेश करेगा और इस झूठी कहानी के बल बहते मिर्जे को साबित करने की कोशिश नहीं करेगा लेकिन हम जानते हैं कि मिर्जयत का ओढ़ना बिछोना ही झूठ है इनका कोई कुरान दिस से तल्लक नहीं है ना इस्लाम से इनका कोई तल्लक है ये झूठ की पैदावार है इन्होंने झूठ बोलना ही बोलना जो मर्जी हो जाए तो बहरहाल आपके सामने हकायक रख दिए हैं कोई कादे नहीं आपके सामने ये दजल करने की कोशिश करे तो उनके मुंह पे ये मारे ताकि भोले भाले लोगों को यह गुमराह न कर सकें वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें अलिकम वरहमल वरक